नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ समुद्र मंथन की कथा। ठीक है, जो बहुत से लोगों को पता होगा समुद्र मंथन आप सभी जानते हैं, जहाँ पे जो देव और दानव के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। बहुत ही जानी पहचानी कहानी है, स्टोरी है, कथा है, आप सभी को पता है। और हिंदू धर्म में इसकी अलग मान्यता है, आप सभी को पता है, जिसमें क्या क्या निकला मंथन में वो सभी भी बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आज हमें नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलने वाली है। मतलब इसमें इतने सारे नए नए वर्ड्स थे जो आपने नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो मीनिंग नहीं पता होगा। बहुत सारे हैं जो आज आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टोरी तो आप सभी को पता है, कथा जिन्हें नहीं पता है उन्हें तो बहुत ही मजा आने वाला है कि जो देवदानों में युद्ध क्यों होता है और क्या क्या हुआ था समुद्र मंथन, क्या क्या किया गया। बहुत ही अच्छी कथा है, तो आप सभी को बहुत मजा भी आने वाला है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रांसलेशन, समुद्र मंथन। तो ठीक है, समुद्र मंथन इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में वो भी आपको आगे पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन आज का। समुद्र मंथन यानी क्या होता है, समुद्र को मथना, जैसे भाई दही वही ऐसे निकालते हैं ना, मथ के, है ना, लस्सी वस्सी बनाते हैं, उसे मंथन बोलते हैं, मथना। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट सेज यानी होता है महान ऋषि, संत। ठीक है, सेज यानी संत, ऋषि उसे सेज कहा जाता है। महान ऋषि दुर्वासा मुनि, उनका नाम है दुर्वासा मुनि, जो बहुत ज्यादा, जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था जल्दी, वो दुर्वासा मुनि। वंस ऑफर्ड अ गार्लैंड टू इंद्रा, वंस एक बार, ऑफर्ड यानी होता है पेशकश करना, भेंट करना। ठीक है, गार्लैंड, गार्लैंड यानी क्या होता है, फूलों का हार, उसे गार्लैंड कहा जाता है। उन्होंने भेंट की फूलों का हार टू इंद्रा, ठीक है, इंद्र को। हु इग्नोर्ड, जिसने इग्नोर कर दिया, इग्नोर यानी क्या होता है, अनदेखा कर देना, ज्यादा ध्यान नहीं देना, जिसने अनदेखा कर दिया इट यानी इसे, ठीक है, उस हार को उसे। एंड पुट इट ऑन, पुट इट ऑन यानी क्या होता है, उसे रख दिया। द टस्क ऑफ हिज एलिफेंट, टस्क, टस्क यानी क्या होता है, टस्क यानी होता है जो हाथी का दांत होता है उसे टस्क कहते हैं। तो नया वर्ड मिल गया आपको, उसका मीनिंग भी मिल गया, टस्क यानी हाथी के दांत को कहते हैं। ऑफ हिज एलिफेंट यानी हाथी के दांत पर लटका दिया, रख दिया। एरावत, जिसका नाम क्या था, एरावत, आप सभी को पता है। विच, ठीक है, विच, जिसने क्या किया, ट्रैम्पल इट, अब यहां पर भी नया वर्ड मिला आपको, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल यानी क्या होता है, कुचल देना, जिसने क्या कर दिया उसे, कुचल दिया, अपने जो दांत में फंसाया था वहां से नीचे गिराया, क्या कर दिया, कुचल दिया इट यानी उसे। सींग इंद्रास, ठीक है, सींग यानी देखकर, इंद्रास यानी इंद्र का, ठीक है, क्या देखना, डिसरिगार्ड, देखिए डिसरिगार्ड लिखा हुआ है, डिसरिगार्ड यानी क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनादर, अपमान। ठीक है, तो इंद्र के अपमान को देखकर, भाई उसने अपमान ही किया है, उसे उसे ले लेना था जब इतने बड़े महान ऋषि मुनि है, तो क्या हुआ, द रिवर्ड सेज, ठीक है, अभी हम रिवियर्ड बोलते हैं, सॉरी रिवियर्ड यानी क्या होता है, श्रद्धेय, सम्माननीय, माननीय, उसे हम रिवियर्ड बोलते हैं। तो जो सम्माननीय जो ऋषि थे, बिकेम फ्यूरियस, बिकेम यानी हो गए, फ्यूरियस यानी क्या होता है, अत्यधिक क्रोधित, बहुत ज्यादा गुस्से में आने को हम फ्यूरियस बोलते हैं। तो बहुत सारा आपको देखिए नया नया मिल रहा है, तो रिवियर्ड यानी होता है सम्माननीय, श्रद्धेय, और फ्यूरियस यानी बहुत ज्यादा गुस्से में आना, तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। He cursed इंद्रास saying that he cursed, अब यहां पे देखिए cursed मिला हुआ, cursed, cursed यानी क्या होता है, श्राप देना, किसी को श्राप देना, उसे हम cursed बोलते हैं। तो उन्होंने श्राप दिया इंद्रास, सॉरी इंद्रा यानी इंद्र को, ठीक है, ऐसे इंद्रा लिखा हुआ, इंद्र पढ़ते हैं इसे, इंद्र को। saying, saying यानी कहकर, that की, कहकर की, he and the other gods, वह और उसके अन्य जो देव है, और भी देवता है इंद्र के अलावा, वो और उनके जो अन्य देव है, वुड लूज ऑल देयर पावर, वुड, वुड गागीगे फ्यूचर टेंस में है ना, पास्ट टेंस में विल की जगह वुड के यूज करते, वुड गागीगे, लूज, लूज यानी खो देंगे, ठीक है, जो बाकी दो, बाकी जो देवता वो क्या कर देंगे, खो देंगे, ऑल देयर पावर्स यानी सभी, उनकी सभी शक्तियां, ऐसे साफ दे दिया, तुम और बाकी देवता अपने सभी शक्तियां खो दोगे। देखिए समुद्र मंथन की स्टोरी कहां से शुरू हुई बहुत लोगों को नहीं पता है, तो यहां से शुरू हुई थी। फिर क्या हुआ, देखिए इन ड्यू कर्स, ठीक है, इन ड्यू कर्स मतलब क्या होता है कि श्राप के कारण, ड्यू, ड्यू यानी किसी के कारण, तो श्राप के कारण क्या हुआ, देखिए इंद्र एंड द अदर गॉड्स बिगेन लूजिंग ऑल बैटल्स, ठीक है, तो इंद्र और जो दूसरे देवता थे बिगन, है ना, तो क्या हुआ, बिगन लूजिंग यानी शुरू हो गए, उन्होंने क्या शुरू किया, लूजिंग यानी होता है हारना, वो हारना शुरू हो गए।
ऑल बैटल्स, सभी बैटल्स यानी क्या होता है, युद्ध, मुठभेड़, लड़ाई, उसे बैटल्स बोलते हैं, सभी लड़ाई हारने शुरू कर दिए। अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी होता है विरुद्ध, ठीक है। द डेमन्स, डेमन्स यानी क्या होता है, दैत्य, दानव, उसे डेमन्स कहते हैं, राक्षस, दानव को हम डेमन्स कहते हैं। तो वो क्या हो गया, सभी दानवों के खिलाफ जो भी लड़ाई में हारना शुरू हो गए, क्योंकि भाई ताकत थी तो जीतते थे, अब उन्हें श्राप मिल गया कि तुम अपने ताकत खो दोगे, तो इसलिए वो हारना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, एंड द डेमन्स लेड बाय बाली, ठीक है, बली, राजा बली है, एक्चुअल में बली है। देखिए एक बाली तो सुग्रीव का भाई, जो बाली थे वो तो देवता थे, लेकिन ये जो बली है तो ये दानव थे, राक्षस, राजा बली, ठीक है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो क्या हुआ, लेड बाय, लेड यानी क्या होता है, प्रतिनिधित्व करना, यानी उनका जो अगुवाई करना उसे लेड बोलते हैं। जो राजा बली की अगुवाई में उन्होंने क्या किया, टुक कंट्रोल, टुक यानी लिया, कंट्रोल यानी होता है नियंत्रण में लेना, अपने काबू में कर पाना, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी होता है पूरे ब्रह्मांड को, उन्होंने राजा बलि के अगुवाई में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने काबू में कर लिया, कब्जे में कर लिया, क्योंकि भाई वो उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत था, वो अपने तपस्या करके ताकत पाए थे, तो देवता से भी वो जीत गया, क्योंकि देवता के पास अब ताकत थी ही नहीं। फिर क्या हुआ देखिए, सीइंग नो अदर मीन्स, ठीक है, सीइंग देखकर, नो अदर मीन्स, अब यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या होता है, मीन्स मतलब होगा यहाँ पे कि उपाय, ठीक है, कि कोई भी दूसरा उपाय ना देखकर, नो अदर यानी नहीं, कोई दूसरा उपाय ना देखकर, द हेल्पलेस इंद्र रश टू विष्णु फॉर हेल्प, हेल्पलेस, हेल्पलेस यानी असहाय, ठीक है, बेचारा, असहाय को हेल्पलेस बोलते हैं, इंद्र असहाय, इंद्र रश्ड, रश यानी क्या होता है, तेजी से भागना, दौड़ना, उसे रश बोलते हैं। वो भागते हुए कहाँ गए, टू विष्णु, विष्णु के पास, भगवान विष्णु के पास, फॉर हेल्प, हेल्प के लिए, मदद के लिए, सहायता के लिए गए कि भगवान अब आप ही सहायता कीजिए, हमको तो ऐसे ऐसे श्राप मिल गया है। फिर क्या हुआ देखिए, विष्णु हैड अ प्लान, ठीक है, जो विष्णु भगवान थे उनके पास एक प्लान था, हैड किसी के पास कुछ चीज था, तो उनके पास एक उपाय था, आइडिया था। फिर क्या हुआ देखिए, ही सैड, उन्होंने कहा दैट की, उन्होंने कहा कि टू गेट बैक, टू गेट बैक यानी वापस पाने के लिए, देयर पावर्स, उनकी शक्तियां, भाई तुम्हें अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए, द गॉड्स वुड हैव टू, द गॉड यानी भगवान, देवताओं को, वुड हैव टू, वुड हैव टू यानी करना होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में बोल रहा है आपको ये करना होगा, इसलिए विल हैव टू की जगह हम वुड हैव कर, वुड हैव टू का यूज कर रहे हैं। वुड हैव टू का मतलब कुछ चीज करना होगा, तो हम वुड हैव टू का यूज करते हैं। तो देवताओं को क्या करना होगा, चर्न, इसे हम चर्न पढ़ते हैं, चर्न यानी मंथन, अभी आपको बताया था ना, जो मंथन को हम चर्न बोलते हैं, चर्न ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, चूर्ण नहीं पढ़ना है, चर्न पढ़ना है, अधोने निकलेगा यहाँ पे। तो क्या करना होगा, मंथन करना होगा द ओशंस, ठीक है, ओशंस यानी क्या होता है, महासागर, समुद्र, से ओशंस कहते हैं, तो महासागर का मंथन करना होगा। एंड ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट यानी होता है बाहर निकालना, और बाहर निकालना होगा द मैजिकल नेक्टर अमृता, ठीक है, द मैजिकल नेक्टर यानी जो जो चमत्कारी अमृत है, नेक्टर यानी अमृत ही होता है, ठीक है, तो जो चमत्कारी अमृत को आपको बाहर निकालना होगा मंथन करके, तभी आप लोग अमर होगे, तो जीत पाओगे। फिर क्या हुआ देखिए, ओनली आफ्टर कंज्यूमिंग इट, ओनली आफ्टर कंज्यूम इट यानी केवल उसके बाद ही, कंज्यूमिंग यानी होता है कंज्यूम करना, उपभोग करना यानी उसका यूज करना, उसके बाद ही आप लोग क्या यूज कर पाओगे, इट कुड दे रिगेन देयर पावर, इट कुड दे, ये क्या हो सकेगा, दे रिगेन यानी वे, रिगेन यानी होता है फिर से प्राप्त करना, रिगेन फिर से पाना, फिर से प्राप्त करना, देयर पावर्स उनकी शक्तियां, यानी कि ऐसे करने के बाद ही, अमृत पीने के बाद ही वो अपनी शक्तियां वापस प्राप्त कर सकते हैं, जो देवता हैं, विष्णु भगवान ने कहा। फिर क्या हुआ देखिए, दिस ग्रेट चर्निंग इज नोन एज समुद्र मंथन, तो ये जो महान मंथन था यानी ये जो महामंथन था, इज नोन एज, इज नोन एज यानी जाना जाता है, जाना जाता है समुद्र मंथन, एज यानी रूप में, समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो महान मंथन हुआ था, महामंथन हुआ था। फिर क्या हुआ देखिए, बट एज द गॉड्स वर पावरलेस, लेकिन जैसे कि, एज यानी जैसे कि, द गॉड जो देवता थे, वर यानी थे पावरलेस यानी शक्तिहीन, जिसके पास शक्ति ना हो उसे पावरलेस बोलते हैं, नाउ अब वो शक्तिहीन थे, शक्ति ही नहीं था, ताकत ही नहीं था, तो भाई अकेला तो वो कर नहीं सकते मंथन, भाई उतना बड़ा समुद्र को ऐसे कोई दूध का एक कंजी थोड़ी कि ऐसे ऐसे करके मथ दिए, पूरे समुद्र को मथना है, ताकत भी नहीं है। फिर क्या हुआ देखिए, दे सॉट द हेल्प ऑफ द डेमन, सॉट, अब ये भी नया मिला, सॉट पढ़ेंगे, सॉट यानी क्या होता है, मांगना, किसी से कुछ चीज मांगने को सॉट बोलते हैं।
द हेल्प, उन्होंने मदद मांगी ऑफ द डेमन्स यानी डेमन्स से, ठीक है, डेमन की मदद मांगी यानी डेमन्स आप सभी को पता है राक्षसों की, दानवों की, टू अकम्प्लिश दिस ह्यूज टास्क। अकम्प्लिश इसका मतलब होता है पूर्ण करना, पूरा करना, उसे अकम्प्लिश बोलते हैं। दिस ह्यूज टास्क, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, टास्क यानी कार्य, काम, बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए दानवों की हेल्प मांगी। अकेले तो नहीं कर सकते, और दानवों के पास तो भैया शारीरिक रूप से बहुत ताकत था, अच्छे हट्टे कट्टे, तो बोले चलो भाई मदद मांगते हैं। फिर क्या हुआ देखिए, द गॉड्स एंड डेमन्स गॉट टुगेदर फॉर द हरकुलियन टास्क। अब देखिए यहां पर भी नया नया मिलेगा, गॉड एंड डेमन जो देवता और दानव थे, गॉट टुगेदर, गॉट यानी हुए, टुगेदर यानी एक साथ हो गए, फॉर यानी के लिए, द हरकुलियन, हरकुलियन यानी क्या होता है, हरकुलियन का मतलब क्या होता है, जैसे भाई हरकुलिस जानते हैं ना आप, हरकुलिस जिस कितना ज्यादा ताकतवर था, तो हरकुलिस से जैसे हरकुलियन यानी अत्यधिक कठिन, कठिन अत्यधिक कठिन, बहुत ज्यादा कठिन टास्क यानी होता है कार्य, ठीक है। तो इस बहुत ज्यादा अत्यधिक कठिन कार्य के लिए दोनों एक साथ हो गए। द ह्यूज माउंटेन मंद्रा, ठीक है, ह्यूज माउंटेन यानी बहुत विशाल, बहुत बड़ा पर्वत, माउंटेन यानी पर्वत, मंद्रा जिसका पूरा नाम मंद्राचल है, ठीक है, मुझे याद है कि यहाँ पे मंद्रा बस लिखा, मंद्राचल बोलते हैं उसको। तो जो बहुत बड़ा पर्वत था जिसे मंद्रा जो नाम था, वॉज यूज एज द पोल, ठीक है, वॉज यूज जिसका उपयोग किया गया था, क्या किसके रूप में, एज यानी के रूप में, द पोल, पोल यानी खंभा, भाई जैसे हम ऐसे मथते हैं ना दही को, तो एक अपने को वो चाहिए था मथनी, मथानी जिसे कहते हैं, तो वो क्या होता है ऐसे लंबा होता है, तो उसके लिए हमको उतना बड़ा समुद्र के लिए क्या चाहिए, बहुत बड़ा चीज चाहिए पूरा पानी को हिलाने के लिए। तो उन्होंने पर्वत को ही ले आया जिसे पोल के रूप में यूज किया, पोल यानी जो खंभा होता है, मथानी बोल सकते हैं। टू, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर भी नया मिली स्टर, अब स्टर यानी क्या होता है, ये भी नया आपको मिली, स्टर यानी होता है हलचल, मथने के लिए, हलचल मचाने के लिए, मथने के लिए, तो स्टर यानी होता है हलचल, ठीक है। द वाटर, पानी में हलचल मचाने के लिए, मथने के लिए उन्होंने पर्वत का यूज किया मंद्राचल। फिर क्या हुआ देखिए, बट एज द पोल इंटर द वाटर, लेकिन जैसे ही, एज यानी जैसे ही द पोल, वो जो पर्वत था, खंबा था, इंटर द वाटर यानी पानी के अंदर क्या होता था, प्रवेश करता था, इंटर यानी अंदर जाना, तो क्या होता था, इट केप स्लाइडिंग इन टू द डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है, इट केप स्लाइडिंग, केप्ट यानी होता है जारी रखना, स्लाइडिंग यानी फिसलना, वो फिसलता रहता था इन टू द डेप्थ, इन टू यानी में, इन टू मैंने बताया था ना किसी चीज में गतिमान, यानी अभी अंदर जा ही रहा है, पहले से अंदर नहीं है, इन टू द डेप्थ ऑफ द ओशंस, डेप्थ यानी होता है गहराई में, ऑफ द ओशंस महासागर के, तो महासागर के गहराई में अंदर घुसते जाता था, मतलब रुकता नहीं था, भाई रेतीला होता है, गहराई बहुत होता है, तो भाई कुछ चीज उसको टिकाने के लिए चाहिए कि नहीं, पर्वत को ऐसे पानी में तैरेगा तो नहीं, तो अंदर धंसते जाता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिन्हें पता है वो भी देखिए, नए नए वर्ड्स मिलने वाले, हो सकता है थोड़ा सा क्या हो जाए, समय ज्यादा लग जाए, लेकिन बहुत काम की चीज है, आधा आधा भी देख सकते हैं। फिर क्या हुआ देखिए, टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए, विष्णु क्विकली ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, जो विष्णु भगवान थे, क्विकली यानी तुरंत, जल्दी से, ट्रांसफॉर्म यानी क्या होता है, अपना रूप बदल लेना, परिवर्तित करना, तब्दील हो जाना जिसे उर्दू में कहते हैं, उन्होंने परिवर्तित कर लिया हिमसेल्फ यानी खुद को, अपने आप को बदल लिया, रूप बदल लिया, इंटू अ टॉर्टाइस, इंटू यानी मे, अ टॉर्टाइस यानी क्या होता है, कछुआ, कछुए के रूप में बदल दिया, एंड प्लेस द माउंटेन ऑन हिज बैक, और प्लेस यानी रखा, जमाना, रखना, ठीक है, स्थापित करना, उसे प्लेस बोलते हैं। द माउंटेन, पर्वत को, ऑन यानी पर, हिस यानी अपने, या फिर उसके बैक यानी होता है पीठ, ठीक है, अपने पीठ पर, भाई कछुआ का पीठ कितना ज्यादा मजबूत होता है आप सभी को पता, तो विष्णु भगवान कछुआ बनाए थे बहुत बड़े विशाल रूप में, तो पर्वत उसके पीठ में रख दिए। फिर क्या हुआ देखिए, दिस इमेज ऑफ विष्णु एज द टॉर्टाइज, ये जो विष्णु भगवान का रूप है कछुए के रूप में, ठीक है, कछुए के रूप में इमेज यानी कहता है छवि, ठीक है, उनका जो चित्र छवि, तो विष्णु भगवान की जो छवि थी टॉर्टाइज के रूप में, कछुए के रूप में, वॉज हिज सेकेंड अवतार, उनका दूसरा अवतार था, वॉज यानी था, उनका दूसरा अवतार था, कॉल्ड, जिसे नामक, किसके नामक या पुकारा जाता था, कूर्म अवतार के नाम में उसे पुकारा जाता था, कूर्म नामक उसका दूसरा अवतार था, पहला, ठीक है, पहला तो उसका मच्छा अवतार था, और ये दूसरा कूर्म अवतार, ठीक है, तो उन्होंने कूर्म अवतार ले लिया, कछुए का अवतार, इसे संस्कृत में कूर्म कहते हैं, जो कि कछुआ होता है, कच्छप, कूर्म, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, अब तो रख लिए, पर्वत भी आ गया, मथने वाला भी आ गया, उसके नीचे बैलेंस बनाने के लिए कछुआ का अवतार भी ले लिए, देवदानव दोनों तैयार हो गए, लेकिन क्या चाहिए उनके लिए भैया, अभी देखते हैं,
रस्सी चाहिए भाई, रस्सी चाहिए कि नहीं उसको ऐसे ऐसे मथने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, बहुत बड़ा रस्सी चाहिए। ऑन द पोल वॉज बैलेंस्ड, ठीक है, और सॉरी वंस द पोल वॉज बैलेंस्ड, एक बार पोल के बैलेंस हो जाने के बाद, ठीक है, जब वो बैलेंस हो गया, नियंत्रित हो गया, कंट्रोल में आ गया, इट वॉज टाइट, यानी उसे बांधा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिगेंटिक, इसे हम जिगेंटिक पढ़ते हैं, जिगेंटिक यानी क्या होता है, विशालकाय, बहुत बड़ा, उसे जिगेंटिक बोलते हैं। स्नेक, बहुत बड़े विशालकाय सांप, वासुकी, जिनका नाम क्या था, वासुकी नाग, है ना, तो वासुकी नाग जो सांप थे उसे टाइट किया गया, बांधा गया उस पर्वत पे। एंड द गॉड्स एंड डेमन्स स्टार्टेड पुलिंग इट फ्रॉम ईदर साइड, ठीक है, और जो भगवान थे, देवता थे, और जो राक्षस थे, स्टार्टेड यानी शुरू किया, पुलिंग यानी खींचना, इट यानी उसे खींचना शुरू किया सांप को, फ्रॉम यानी से, ईदर साइड यानी होता है एक एक तरफ से, एक साइड से वो, एक साइड से वो, तो उसे ईदर साइड बोलते हैं, प्रत्येक साइड से, दोनों तरफ से खींचना शुरू किया, एक बार वो खींचते थे, एक बार वो खींचते थे, शुरू कर दिया। एज द चर्निंग बिगन, ठीक है, चर्निंग बिगन यानी जैसे ही मंथन शुरू हुआ, बिगन यानी शुरू हुआ। एंड द मैसिव वेव्स, मैसिव यानी क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा, वेव्स यानी लहरें, बहुत बड़े बड़े लहरें। यहां पे देखिए ये भी नया वर्ड आपको मिलेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड, ठीक है, ये होता है वर्ल्ड, ये वर्ल्ड, वो वर्ल्ड वाला नहीं, ये वर्ल्ड ऐसे पढ़ते हैं, तो ये वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, चक्करदार, ठीक है, चक्करदार या बवंडर इसे बोलते हैं ना, ऐसे मतलब ऐसे गोल गोल बनते जाते हैं, जब मतते हैं दही वही को, तो ऐसे चक्करदार बवंडर जैसे बन जाता है, उसे हम वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होने लगा, उसमें बवंडर बनने लगा। एंड एक्सट्रीमली पॉइजनस ड्रिंक, ठीक है, एक्सट्रीमली यानी क्या होता है, सबसे बहुत ज्यादा, उसे एक्सट्रीमली बोलते हैं, अत्यधिक, अत्यंत, पॉइजनस ड्रिंक, जहरीला पेय, ड्रिंक यानी पीने योग्य, यानी जो जिसे पिया जाता था, ड्रिंक बोलते हैं, एकदम जहरीला पेय कॉल्ड, जिसे कहा जाता था, पुकारा जाता है, क्या, हलाहल केम आउट, हलाहल विश केम आउट, बाहर आया, ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, द गॉड्स बिकेम स्केयर्ड, ठीक है, तो जो भगवान क्या हो गए थे, स्केयर्ड यानी होता है डर जाना, वो डर गए थे भाई, इतना हलाहल विष, गरम गरम एकदम तेज, सांस लेने परेशानी हो रही है, जल रहा है शरीर, तो उसे क्या हो गए थे, डर गए थे। बिकॉज दिस ब्लू ड्रिंक, ठीक है, बिकॉज यानी के कारण, किसके कारण, दिस ब्लू ड्रिंक यानी इस नीले ड्रिंक के लिए, नीले पेय पदार्थ के लिए, कुड डिस्ट्रॉय क्रिएशन, कुड यानी जो क्या कर सकता था, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकता था, क्रिएशन या तो सृष्टि, जो हमारी सृष्टि है उसका क्या कर सकता था, वो नाश कर सकता था, नष्ट कर सकता था, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, क्रिएशन यानी सृष्टि। तो भाई इतना जहरीला विष था कि अगर हवा में घुल जाता, पानी में घुल जाता, पूरी सृष्टि का नाश हो जाता, तो डर गए देवता। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ तक मैं जूम कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना छोटा सा है, ये इतना हो जाएगा। फिर क्या हुआ देखिए, दे ऑल गॉट टूगेदर, ठीक है, दे ऑल गॉट टूगेदर यानी वे सभी एक साथ हुए, एंड प्रेड, एक साथ मिलकर उन्होंने प्रेड यानी प्रार्थना की, टू द पावरफुल शिवा, पावरफुल यानी शक्तिशाली शिवा, शिवा यानी शिव, तो ऐसे शिवा रामा ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में शिव ऐसे इसका उच्चारण होता है, तो शक्तिशाली शिव है ना, महान शक्तिशाली भगवान शिव को, टू हेल्प देम, उनकी सहायता के लिए, कि भाई भगवान आप सहायता करो, आप ही बचा सकते हो। शिवा अपीयर्ड, तो भगवान अपीयर्ड यानी क्या होता है, प्रकट होना, किसी के सामने आना, उसे अपीयर्ड बोलते हैं। तो भगवान शिव प्रकट हुए बिफोर ऑल, बिफोर ऑल यानी सभी के सामने, बिफोर यानी सामने, ठीक है। एंड गर्ब्ड, अब यहाँ पे अब नया वर्ड मिला, गर्ब्ड, गर्ब यानी क्या होता है, गटकना, जिसे निगलना बोलते हैं, उसे गर्ब बोलते हैं, और उन्होंने निगल लिया, गटक लिया था एंटायर पॉइजन, एंटायर यानी पूरा, पॉइजन यानी जहर, पूरे जहर को वो क्या कर लिए, अपने गटक लिए। लेकिन क्या हुआ देखिए, बट लेकिन ही डिड नॉट स्वालो इट, ही डिड नॉट, उन्होंने नहीं किया स्वालो इट यानी इसे, स्वालो यानी क्या होता है, मतलब पूरा अंदर निगल लेना, उसे स्वालो बोलते हैं, ठीक है। तो गर्भ यानी गटकना और स्वालो यानी निगलना, यानी पूरा अंदर पी लेना, तो उन्होंने वो पूरा अंदर तक नहीं निकला, ठीक है भाई, उतना विष था तो अंदर तक नहीं निकला, और क्या किया, इट कीपिंग द पॉइजन इन हिज थ्रोट, इट कीपिंग है ना, स्वालो इट यानी उसे, उसे क्या कर लिया था, स्वालो नहीं किया, कीपिंग द पॉइजन, कीपिंग यानी रखना, ठीक है, द पॉइजन, जहर को रखा, इन हिज थ्रोट यानी अपने गले में, इन यानी में, हिज यानी उसके, या फिर अपने, थ्रोट यानी गले, अपने गले में रख लिया, आप सभी को पता है। सिंस देन, तब से, सिंस देन यानी तब से,
सिवास थ्रोट मतलब शंकर भगवान का जो गला है, है ना, बिकेम ब्लू, नीला पड़ गया, नीला हो गया, ठीक है, बिकेम यानी कुछ चीज हो जाना, नीला हो गया। एंड ही बिकेम नोन एस, और वो जाने जाने लगे, बिकेम नोन एस यानी जाने जाना, ठीक है, वो जाने जाने लगे नीलकंठ, नीलकंठ के रूप में, और द ब्लू थ्रोट वन, या फिर नीले गले वाले, ठीक है, यानी कि तब से उनका नाम क्या पड़ा, नीलकंठ पड़ा, क्योंकि नील यानी नीला कंठ यानी जो गला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, ठीक है, तो नीले कंठ वाले नीलकंठ भाई, क्योंकि जहर को गले में रोक के रखे थे, नीला रंग का जहर था, तो उनका जो गला का भाग था वो भी नीला पड़ गया, इसलिए नीलकंठ नाम पड़ा। तो देखिए ये भी नई जानकारी आपको मिल गया, बहुत से लोगों को पता है लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए नई जानकारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना जूम रहेगा तो अच्छा ही आपके लिए, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। द चर्निंग कंटिन्यूड एंड पोर्ड फोर्थ अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स एंड ट्रेजर, ठीक है, तो जो मंथन था, चर्निंग यानी मंथन आपको बताया था, कंटिन्यूड यानी जारी रहा आगे भी, भाई केवल उस समय तो जहर निकला, अभी काम की चीज निकली ही नहीं है, जारी रहा, मत ही रहे। एंड पोर्ड फोर्थ यानी क्या होता है, पोर्ड फोर्थ का मतलब होता है आगे डालना, निकालना, और आगे निकलता रहा। अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स, नंबर ऑफ यानी बहुत सारे संख्याओं, बहुत सारे नंबर में, ऑफ गिफ्ट्स तो बहुत सारे, अनेक, ठीक है, नंबर यानी अनेक प्रकार के गिफ्ट्स यानी भैया उसमें भेंट, उपहार, नए नए, है ना, एंड ट्रेजर्स और खजाने, बहुत सारे गिफ्ट और खजाने उसमें से निकलते रहे। तो खजाने आप सभी को पता है, सोना चांदी दुनिया भर का, है ना, वो रत्न जवाहरात सब निकलने लगे, हीरे मोती। फिर क्या हुआ, देखिए दे इंक्लूड कामधेनु, ठीक है, और दे इंक्लूड यानी उसमें शामिल थे कामधेनु, ठीक है, कामधेनु यानी कि जो खजाने और जो गिफ्ट निकले उसमें क्या क्या चीज़ से, देखिए उसमें क्या क्या शामिल थे, कामधेनु, द विश फुलफिलिंग काउ, है ना, विश फुलफिलिंग यानी होता है जो इच्छा पूर्ति करने वाली, जो भी आपकी इच्छा है, डिमांड है, उसको पूरी करने वाली गाय, यानी गाय के सामने आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, आपको मिल जाता है, ठीक है, पुराणों में ऐसे ये लिखा गया है, तो विश फुलफिलिंग गाय, उसे हम कामधेनु बोलते हैं। फिर क्या होगा, देखिए काम यानी इच्छा, धेनु यानी गाय, इच्छा पूरी करने वाली, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस यानी होती देवी, गॉड यानी देवता, और गॉडेस यानी देवी, ऑफ वेल्थ यानी धन की देवी, वेल्थ यानी धन संपत्ति, उसे वेल्थ कहते हैं, धन की देवी लक्ष्मी, ठीक है, धन की देवी लक्ष्मी होती है, द विश फुलफिलिंग ट्री, विश फुलफिलिंग ट्री, ये विश फुलफिलिंग काउ थे, और विश फुलफिलिंग ट्री यानी जो इच्छा पूरी करने वाले पेड़, जिसका क्या नाम था, कल्प वृक्षा, ठीक है, कल्प वृक्ष बोलते हैं, कल्प वृक्ष, कल्पना करने से ही वो वृक्ष के सामने हर चीज़ पूरी हो जाती, बस कल्पना करोगे गुलाब जामुन मिल जाता तो आपको वहाँ गुलाब जामुन मिल जाएगा, ये भाई स्वर्ग में है ना, ऐसे नहीं कि धरती में रहता तो क्या बात थी, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर मांग लेते क्योंकि इतना ज़्यादा काम है, लेकिन अब यहाँ तो है नहीं, वो इंद्रलोक में है, मतलब देवलोक में है, स्वर्ग में है, तो उसे कल्प वृक्ष कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है नई नई, और नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी मिल रही है। एंड फाइनली, और आखिरकार, केम यानी आए, कौन आए, देखिए धनवंतरी आए, कैरिंग यानी होता है लेकर, कैरी करके, उठाकर, द पॉट ऑफ अमृता, ठीक है, पॉट ऑफ अमृत यानी अमृत का बर्तन, पॉट यानी बर्तन, ठीक है, अमृत का बर्तन लेकर आए। एंड अ बुक ऑफ मेडिसिन, अ बुक, एक किताब लेकर आया, मेडिसिन यानी क्या होता है, दवाई, औषधि, उसे मेडिसिन बोलते हैं, और एक दवाई की, औषधि की किताब लेकर आए, कॉल्ड, जिसे पुकारा जाता है, कहा जाता है, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा नामक, ठीक है, जिसे आयुर्वेद बोलते हैं, इंग्लिश में आयुर्वेदा, मैंने आपको बताया ना, ए जोड़ देते हैं, तो आयुर्वेद नाम के, कॉल्डियाने नामक, आयुर्वेद नाम के जो दवाई के जो पुस्तक थे उसे लेकर आए, तो भाई वही आयुर्वेद शास्त्र है, वही आयुर्वेदिक दवाई बोलते हैं, वो सब ये आयुर्वेद का जो पुस्तक जो समुद्र मंथन मंथन से जो निकला था ना, उसमें ये सब लिखा हुआ था कि कैसे कैसे दवाई लेनी है, क्या क्या है, तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, यही है आयुर्वेद की जो पुस्तक, वहीं से निकला। फिर क्या हुआ, देखिए Once the अमृत was out, एक बार जब अमृत बाहर आ गया, ठीक है, बाहर निकला, the demons forcefully took it away, और जो दानव थे, forcefully यानी ताकत से, भाई उनके पास ज्यादा ताकत था, देवता का ताकत तो छीन लिए थे, forcefully यानी जबरदस्ती, ताकत से छीना झपटी करके, took it away यानी छीन लेना, ठीक है, तो उसे क्या कर लिया है, उनसे छीन लिया, टू डेमंस, और जो दो दानव थे, दो राक्षस थे, राहु एंड केतु, इसके बारे में तो सुना होगा, राहु और केतु, उन्होंने क्या किया, देखिए disguise themselves, disguise यानी क्या होता है, रूप बदल लेना, disguise हो जाना, अपना भेष बदल लेना, उसे disguise बोलते हैं, उन्होंने themselves यानी खुद का, उनका रूप बदल लिया, as gods, as यानी के रूप में, gods यानी देवताओं, देवताओं के रूप में अपना वो बदल लिया,
एंड ड्रैंक द अमृत, ठीक है, और अमृत को पिया, ड्रिंक क्या पीना, ड्रैंक क्या पिया, और अमृत पी लिया दोनों ने। फिर क्या हुआ देखिए, द सन एंड मून, जो सन और मून थे, सूर्य और जो चंद्रदेव थे, गॉड्स यानी जो देवता थे, सूर्य और चंद्रदेव ने क्या कर लिया, रिकग्नाइज इट, रिकग्नाइज यानी पहचान कर लिया, रिकग्नाइज यानी किसी की पहचान करना, उन्होंने इट यानी उसे, ठीक है, उसे पहचान लिया। टू बी अ ट्रिक, टू बी अ ट्रिक, ट्रिक क्या होता है, छल करते हुए, है ना, छल करते हुए उन्हें पहचान लिया। एंड कंप्लेन टू विष्णु, कंप्लेन यानी शिकायत की, तो विष्णु, विष्णु भगवान से शिकायत की, अरे ये लोग तो अपना रूप बदल के आपसे अमृत पी रहे हैं। हु इन टर्न, ठीक है, और जिसे उन्होंने क्या किया, हु इन टर्न मतलब क्या होता है, और उसके बदले में उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए, ये भी नया वर्ड को सेवर्ड, इसे हम सेवर्ड बोलते हैं, सेवर्ड मतलब होता है गले का टुकड़ा, मतलब तोड़, टुकड़े टुकड़े कर देना या फिर काट देना, उसे सेवर्ड बोलते हैं। सेवर्ड देयर हेड्स, उनके सिर को काट दिया, अलग कर दिया, विथ ही सुदर्शन चक्रा, ठीक है, विथ यानी से, हिस यानी उनके, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र आप सभी को पता है, कृष्णमान विष्णुमान की जो उंगली में जो रहते हैं चक्र, उससे दोनों के सिर को काट के अलग कर दिया। फिर क्या हुआ देखिए, एज द डिवाइन नेक्टर, और जैसे डिवाइन यानी क्या होता है, डिवाइन यानी होता है हम क्या बोल सकते हैं, अलौकिक, लौकिक उसे डिवाइन बोलते हैं, ठीक है, जो अलौकिक जो अमृत था, डिड नॉट गेट टाइम टू रीच बिलो द थ्रॉट, ठीक है, थ्रोट, डिड नॉट गेट द टाइम, यानी उसे समय नहीं मिला, जो अमृत था दिव्य अमृत, ठीक है, डिवाइन यानी दिव्य होता है, जो दिव्य अमृत था, तो वो लोग जब पिए ना, तो उसे समय नहीं मिला कि उनके गले तक पहुंचे, बिलो द थ्रोट यानी गले के नीचे, उसे बिलो द थ्रोट बोलते हैं, यानी अमृत उसके गले तक ही था, भी नीचे नहीं पहुंचा था वो लोग जब पी रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, द हेड्स रिमेन इमोर्टल, तो जो जो उनका सिर था, रिमेन यानी हो गया, रिमेन यानी कुछ चीज बने रहना, उनका सिर क्या बने रह गया, इमोर्टल, इमोर्टल यानी होता है अमर, उनका सिर अमर हो गया, यानी कि भाई जहर को, सॉरी जो अमृत को पिए उन्होंने, तो गले तक बस गया हुआ था, उसके नीचे नहीं गया, तो जहां तक अमृत गया वहां तक का भाग अमर हो गया, भगवान ने सिर काटा, नीचे का भाग तो मर गया लेकिन सिर उनका अमर हो गया। बट द बॉडी बिलो डाइड, लेकिन बॉडी बिलो यानी जो नीचे का जो शरीर था, डाइड यानी मर गया, नीचे का शरीर मर गया। दिस हेल्प्स राहु एंड केतु टेक रिवेंज, ठीक है, और इसने क्या मदद की, राहु एंड केतु की, टेक रिवेंज, टेक यानी लेना, रिवेंज यानी होता बदला, बदला लेने में मदद की, ऑन द सन एंड मून, सन एंड मून यानी सूर्य और चंद्र से बदला लेना, क्योंकि भाई उन्होंने ही तो बताया था विष्णु भगवान को कि यही है, इसी ने पिया है, तो उन्होंने बोला रुक बदला लेता हूं, अब तो हम लोग बच गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, बदला लेने के लिए क्या करते हैं, बाय डिवोरिंग देम, ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा डिवोरिंग देम एवरी ईयर, अब यहां पे आपको मिल रहा है डिवोरिंग, इसका क्या मीनिंग होता है, मतलब भक्षण करना, खाना किसी को, लिगल लेना, भक्षण करना, ठीक है, उन्हें खा लेना, उसे डिवोरिंग बोलते हैं, उन्हें भक्षण करने के लिए एवरी ईयर यानी हर वर्ष, ठीक है, ड्यूरिंग सोलर एंड लूनर, ड्यूरिंग यानी के दौरान, सोलर एंड लूनर यानी होता है सौर्य और चंद्र, ठीक है, अब ये सभी आप लोग जानते होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण, जिसे हम बोलते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण, ठीक है, तो सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान उनका क्या करते हैं, भक्षण कर लेते हैं, आप सभी को पता है जो हमारे पुराण के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, वो जब सूर्य चंद्र ग्रहण होता है तो क्या होता है, वो राहु और जो केतु है सूर्य को चंद्र को अपने मुंह में मतलब निगल लेते हैं, और जब तक उनके मुंह में रहता है पूरे ग्रहण रहता है, अंधेरा रहता है, और जब मुंह से बाहर निकलता है तो भाई बाकी का बॉडी तो है ही नहीं, तो जैसे ही गर्दन से बाहर निकलते हैं तो फिर से ग्रहण खत्म हो जाता है, बस इतना ही बचा हुआ, यानी कि फिर से वो सूर्य दिखने लगते हैं, चंद्र दिखने लगते हैं, तो ग्रहण इसलिए बहुत देर तक नहीं रहता है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब बस इतना बचा है उसको देखते हैं फिर क्या हुआ। A great war between the gods and demons followed finally. फिर क्या हुआ है? Great war यानी एक महान युद्ध, between यानी बीच में, the gods यानी देवता और राक्षसों के बीच, दानों के बीच, followed यानी क्या हुआ, जारी रहा वो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, followed बोलते हैं, वो क्या रहा, जारी रहा उनके बीच जो भी था, जो भी लड़ाई था, है ना, वो आगे मतलब वो साथ में जारी रहा। फिर क्या हुआ देखिए, फाइनली अंततः विष्णु disguised as the इंचैंटिंग, अब यहाँ पर भी नया आपको मिल रहा है, इंचैंटिंग यानी होता है करामात, चमत्कार, उसे इंचैंटिंग बोलते हैं। अब विष्णु भगवान ने अपने आप को क्या कर लिया, डिस्गाइज यानी होता है, मैंने पता है वेशभूषा अपना रूप बदल लिया,
चमत्कारी रूप से, और क्या क्या देखिए, मोहिनी मोहिनी रूप में बदल लिया वेशभूषा को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चित्र, एकदम सुंदर महिला के रूप में, मोहिनी के रूप में अपने आप को बदल लिया। फिर क्या हुआ देखिए, ट्रिक्ड यानी होता है, मैंने बताया ना छल कपट, उसे हम ट्रिक्ड बोलते हैं। तो उन्होंने चाल, तो द डेमन्स एंड रिकवर्ड द नेक्टर, और उन्होंने जो राक्षसों से रिकवर्ड यानी फिर से कवर, रिकवर्ड यानी फिर से प्राप्त कर लिया द नेक्टर, नेक्टर को यानी अमृत को। उन्होंने पता है आपको वो वाला भी स्टोरी आपको पता होगा, एक आध बार अलग से इस स्टोरी को आपको बता सकता हूं मैं, कि मोहिनी रूप वाला स्टोरी अलग से आपको बता दूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से अमृत उनसे छीन लिया। फिर क्या हुआ देखिए, वाइल फ्लेइंग द क्लचेस, ठीक है, अब यहाँ पे फ्लेइंग द क्लचेस इसका मतलब क्या होता है, चंगुल से छुटकारा, ठीक है, चंगुल से छुटकारे के दौरान ऑफ द डेमन्स, यानी उन्होंने क्या किया, राक्षसों से चंगुल से छुड़ा लिया अमृत को, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, विष्णु गेव द अमृता टू हिज विंग्ड चैरियटरी, अब यहाँ पे ये नया वर्ड आपको क्या मिल रहा है, चैरियोटियर, अब ये चैरियोटर मतलब क्या होता है, चैरियोटियर मतलब होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पंखों वाला सारथी, विंग्ड यानी पंख वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपको चैरियोटियर, चैरियोटियर यानी क्या होता है, चैरियोट यानी गाड़ी होता है, चैरियोटर यानी सारथी, गाड़ी चलाने वाला, उसे चैरियोटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो पंखों वाला जो सारथी था यानी उनका भी वाहन था, उसी भगवान उड़ते थे, गरुड़ा, जिनका नाम गरुड़ था, ठीक है, उन्हें दे दिया। बट द डेमन्स कॉट अप यानी उन्हें पकड़ लिया, एंड अ टसल फॉलोड, यानी क्या था, संघर्ष, लड़ाई, फॉलोड यानी जारी रहा और एक लड़ाई हुआ, ठीक है, आगे लड़ाई हुई। इस संघर्ष के दौरान फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ड्रिंक, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदे ऑफ द ड्रिंक, यानी वो जो अमृत था, पेय पदार्थ था, उसकी कुछ भी बूंदे क्या हुआ देखिए, फेल एट उज्जैन, फेल यानी गिरा, एट उज्जैन, उज्जैन में गिरा, भाई दोनों ने लड़ाई किया तो भाई उस घड़े से क्या हुआ, अमृत की कुछ बूंदे गिरी, तो कहाँ कहाँ पे गिरी देखिए, उज्जैन में कुछ बूंद गिरी, नासिक में कुछ बूंदे गिरी, अलाहाबाद में कुछ, जिसे प्रयागराज कहते हैं, कुछ बूंद गिरी, एंड हरिद्वार, और हरिद्वार में उनकी बूंदे गिरी, है ना। तो फिर क्या हुआ, द ड्रॉप्स आर सेड टू हैव प्यूरिफाई द लैंड, तो वो जो ड्रॉप थे, वो जो बूंदे थे, उन्होंने क्या किया, प्यूरिफाइड यानी तो पवित्र कर देना, ठीक है, सेट कहा जाता है कि उन्होंने क्या कर दिया, उस अमृत ने उस जगह को पवित्र कर दिया, द लैंड, उस जगह को, एंड इट इज हियर, और इसलिए हियर यानी यहां, दैट की एवरी ईयर्स, हर वर्ष, ठीक है, डेवोटीज कम टू वॉश, डेवोटीज यानी होता है भक्त, ठीक है, जो भक्त है, कम टू वॉश अवे यानी धोने के लिए, यहाँ आते हैं धोने के लिए, देयर सिंस, देयर यानी उनके सिंस यानी उनके पाप, अपने पाप धोने के लिए वहाँ आते हैं, इन द फेमस असेंबली, फेमस यानी प्रसिद्ध असेंबली यानी सभा या फिर जनसमूह, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जनसमूह, कॉल्ड, जिसे पुकारा जाता है, जिसे कहा जाता है कुंभ मेला, कुंभ मेला नाम के जनसमूह में वो क्या होते हैं, हर वर्ष शामिल होते हैं पवित्र भूमि में अपने पाप धोने के लिए, ठीक है। वंस गरुड़ा गॉट बैक, और एक बार जब गरुड़ क्या हुआ, गॉट बैक यानी वापस गए, एंड द गॉड्स ड्रैंक द नेक्टर, और जब देवताओं ने क्या कर लिया, ड्रैंक यानी पी लिया द नेक्टर, अमृत को पी लिया, दे बिकेम इमोर्टल, वे हो गए इमोर्टल यानी होता अमर, वो अमर हो गए अमृत पीने के बाद, अमर हो गए। बट एज सम डेमन्स, लेकिन जैसे कि कुछ जो दानव थे राहु केतु, हैड मैनेज टू टेस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, हैड मैनेज उन्होंने मैनेज कर लिया था, उन्होंने मतलब अपना काम बना लिया था, टू टेस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदे, टेस्ट यानी होता है स्वाद लेना, चख लेना, ऑफ द ड्रिंक यानी उस पेय पदार्थ की, उस अमृत का कुछ बूंद उन्होंने दिमाग लगा के पा लिया था। दे टू बिकेम इमोर्टल, दे टू यानी वे भी, बिकेम यानी हो गए इमोर्टल यानी अमर, वे भी अमर हो गए, एंड टू दिस डे, और उस दिन से, ठीक है, द फाइट बिटवीन गॉड एंड एविल कंटिन्यूड, जो फाइट था, लड़ाई है, बिटवीन यानी बीच में, गॉड एंड एविल यानी देव और दानव, ठीक है, देवता और दानव, कंटिन्यूस लिखा हुआ यानी जारी है, उस दिन से जो देवता और दानव के बीच में लड़ाई अभी भी जारी है, हमेशा उनके बीच युद्ध होते ही रहती है, क्योंकि भाई अमृत की लड़ाई थी, अमृत जो भी शराब वराब जितना चीज़ मिला उसे दानव को दे दिया भैया, जो भी खराब खराब चीज़ है उसे दानव को दे दिया था, क्योंकि वो लोग सही यूज़ तो करते नहीं है, माले अमृत भी दे देते तो वो लोग का राक्षसों को जानते हैं उनका माइंड क्या होता है, उसका गलत ही यूज़ करते वो लोग, इसलिए भगवान ने उन्हें अमृत नहीं दिया, और शराब वराब जो भी निकला खराब खराब चीज़ें उन्हें दे दिया भैया, उनको वो चीज़ पसंद है, ठीक है।
तो उन्हें उसमें खुशी थी, तो उन्हें उन्हें दे दिया और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ देवताओं में मिल गया उन्हें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थी समुद्र मंथन की, है ना, बहुत ही अच्छी स्टोरी जो कि हमारे पुराणों के अनुसार ये सत्य घटना है और हम तो इसे सच ही मानते हैं क्योंकि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म में जो भी चीज़ है उसे सही मानते हैं, मानना भी चाहिए। अपने धर्म के लिए आपको, चाहे किसी भी धर्म की हो, अपने धर्म के लिए आपको ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल उस पर अडिग रहना चाहिए। किसी की भी बोलने पर कुछ भी आपको नहीं सुनना चाहिए, ना ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। दूसरे के धर्म में यदि आपको, मान लीजिए आपको विश्वास नहीं है उनकी कहानियों पर, उनके बातों पर, कोई बात नहीं विश्वास नहीं है तो, लेकिन किसी भी धर्म के आपको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। सभी धर्म अच्छे, कोई धर्म बुरा नहीं होता, सभी धर्म अच्छी अच्छी बातें कही गई है, तो कभी भी धर्म की किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सभी धर्म में अच्छी अच्छी कहानियां हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, वो कोशिश करूंगा हर जो भी ये रिलीजन है कि नए नए कुछ भी स्टोरी अलग अलग रिलीजन से भी लाऊंगा और आपको जरूर सुनाऊंगा। तो ये थी आज की स्टोरी ट्रांसलेशन समुद्र मंथन। थोड़ी भी पसंद आई हो, लगातार मेहनत करता हूं, 35-40 मिनट टाइम हो गया यहां पे, आप देख सकते हैं, तो मेहनत के लिए आप प्लीज एक लाइक कर सकते हैं। थोड़ा लंबा देखें, पूरा नहीं देख पाते तो आधा आधा करके देखिए, लेकिन कोशिश कीजिए क्योंकि नए नए वर्ड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए था जिन्हें लॉन्ग स्टोरी पसंद थी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज में दे दूंगा क्योंकि यहाँ पे देता हूँ तो क्लियर नहीं दिखता है, मैं भी देखा हूँ बहुत अच्छा क्लियर नहीं दिखता है, तो मेरे फेसबुक पेज विष्णु ATP में जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, क्लियर मिल जाएगा, वहाँ पे फिर से रीड करके आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।